अगर आपके ड्रीम मिलियन अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो अब आप उसे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करते हैं वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, यह है वो वीडियो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके। साथ ही इस वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक करना है। तो आप भी अगर पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक करना चाहते हैं और अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट से पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो नए यूजर है उनका जो पेटीएम अकाउंट है वो फिलहाल अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि नए यूजर पेटीएम के अकाउंट को नहीं बना सकते हैं। सो ऐसे में वो अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और जिन लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है तो इस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ये है वीडियो। इस वीडियो को देख करके आप घर बैठे ही 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नए अकाउंट को बना सकते हैं और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से इसे लिंक करके अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कैसे लिंक करते हैं जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको ऊपर ऊपर जो 3 लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपको माय प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों यहां पे आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो प्रोफाइल है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगी, और इस प्रोफाइल में दोस्तों आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपके अकाउंट की कस्टमर आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है इस तरह से, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने इन सभी डिटेल को ब्लर करके रखा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट क्यों लिया है वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, मगर उससे पहले हम इस एप्लीकेशन से हो जाते हैं बैक। बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद में दोस्तों मैं अपने अकाउंट का यहाँ पे ऊपर ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारे सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं, मगर दोस्तों हमें चलना है माई बैलेंस का जो ऑप्शन है इसके ऊपर, सो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों मेरे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में है अभी फिलहाल 78 रुपये, और इन रुपए को दोस्तों हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, मगर उससे पहले हमें ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। यानी कि मैं यहां पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करने वाला हूं, और लिंक करने के लिए वेरीफाई टू विड्रॉ का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, तीनों इन्फॉर्मेशन यहां पे ऑलरेडी वेरीफाइड है। और अब दोस्तों यहां पे मैं अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने वाला हूं, यानी कि मैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहां पे लिंक करने वाला हूं, वेरीफाई करने वाला हूं। और वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई का ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर को रीटाइप में वही अकाउंट नंबर दोबारा से डालने वाला हूँ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IFSC कोड, सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहां पे डाल दिया है, और बैंक का नाम में भी आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ चुका है। और अब दोस्तों यहां पे मैं इस डिटेल को सबमिट करने वाला हूं, मगर सबमिट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड बैंक प्रूफ में एक अपने बैंक अकाउंट के प्रूफ को अपलोड करना होता है। सो जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पर पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो स्क्रीन शॉट लिया है उसे मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। सो इसके लिए अपलोड बैंक प्रूफ का जो ऑप्शन है मैंने इसके ऊपर कर दिया है क्लिक, और क्लिक करने के बाद में अपलोड फ्रॉम गैलरी यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को पहले अटैच कर लेता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर दिया है बैंक प्रूफ में, और इसके बाद में जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है ग्रीन कलर में। और अब दोस्तों मैं सिंपली सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के बाद में यहां पे थोड़ा सा समय लगने वाला है। ऊपर ऊपर योर बैंक अकाउंट डिटेल हैव बीन सबमिटेड इज़ अंडर वेरिफिकेशन, यानी कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो अंडर रिव्यू में जा चुका है, जिसके अंदर अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है, लगभग 1 या फिर 2 मिनट का।
प्रोसेसिंग चल रही है बैंक अकाउंट डिटेल की। सो एक बार मैं आ जाता हूँ बैग, यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं एक बार से क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद में दोस्तों मैं दोबारा से माई ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों मैं फिर से प्रोफाइल का आइकन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में माई बैलेंस का जो ऑप्शन है मैंने इसके ऊपर फिर से टैप कर दिया है। टैप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई टू विड्रॉ का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट है वो अंडर रिव्यू में है। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समय लगने वाला है, जैसे ही यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा सो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ आपने देखा है कि मेरा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है वो अंडर रिव्यू में जा चुका है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समय लगने वाला है, क्योंकि ये जो अकाउंट है दोस्तों वो मैंने फिलहाल हाल ही में नया अकाउंट क्रिएट किया है, और एक नए अकाउंट होने के कारण यहाँ पे जो डिटेल है वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा समय ले रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और इसके बाद में मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से अपने पैसे को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 2022 तक दोस्तों जब आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि कोई भी डिजिटल बैंक है जैसे कि जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, इन बैंक्स को आप लिंक नहीं कर पाते थे, मगर दोस्तों 2023 में एक नया अपडेट आ चुका है। अब आप दोस्तों आप अपने डिजिटल बैंक अकाउंट को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से सक्सेसफुली लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।